एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं उनिधि। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आज का जो टॉपिक है ना, आपको टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बहुत ही ये जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि दीदी कुछ ऐसा बताओ कि हेयर ग्रोथ हो। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी अपनी जर्नी कि मैंने अपने हेयर ग्रोथ कैसे किया। अभी मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगी तो आप देख लेना कि पहले मेरे हेयर इतने से थे, आप बिलीव नहीं करोगे, बस इतने से। और ये ज्यादा दिन की पुरानी बात नहीं है, लगभग 1.5 से 2 साल पहले की पुरानी बात है। उससे पहले मेरे हेयर इतने थे और अब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हेयर जो है वो कमर के इतने है। ठीक है, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोज देखे होंगे तो आप देखे होंगे, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। सो गाइज, मैंने अपने हेयर ग्रोथ कैसे किए आपको आज वो अपना सीक्रेट टिप्स बताऊंगी, जिससे आप भी अपनी हेयर ग्रोथ कर सकते हो। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे, कुछ वर्क नहीं किया है, बहुत सारे आपने प्रोडक्ट यूज किए, अगर वो भी आपको वर्क नहीं किया है ना, तो आज का ये वीडियो देखो और जो मैं बता रही हूँ ना उसको फॉलो करो। आपकी हेयर, मैं गारंटी लेती हूँ ना, 3 डेज में, मेरे 3 डेज में हुए थे, हो सकते हैं आपके थोड़े से ज्यादा टाइम लग जाए, 1 वीक लग जाए, तो आपकी हेयर ग्रोथ होगी। आप अपनी हेयर को ना पहले नाप लेना, उसके बाद जब आप ये मास्क को अप्लाई करोगे ना, उसके बाद आप 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद देखना, आपकी हेयर ग्रोथ में फर्क आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं चैलेंज के साथ आपको कह सकती हूँ, इतना ज्यादा इफेक्टिव ये मास्क है ना कि इसको यूज करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और आप सोच रहे होगे मैं कुछ DIY बताऊंगी कि ये मिला लो, वो मिला लो, दिस डेट ब्ला ब्ला ब्ला, तो जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ ना, इसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होने वाले। सबसे अच्छी बात तो ये, आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड, जब मैंने ये हेयर मास्क को लगाया, मैं वीडियोस बना रही थी, वीडियो बनाने के लिए मैंने ये हेयर मास्क को अप्लाई किया था, उसके पहले मैं इसको अप्लाई नहीं की थी। और जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, उसके बाद मुझे 3 दिन के बाद जब मैंने अपनी हेयर में कंघी कर रही थी ना मिरर में देख के, तो मुझे दिखा कि मेरे हेयर इतने थे और इतने हो गए सिर्फ 3 दिन में। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर मुझे जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग भी चाहते हो ना इजी तरीके से अपने हेयर को ग्रोथ करना बिना कोई नुकसान पहुंचाए, तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और एलोवेरा जेल तो इतना ज्यादा अच्छा है आपकी स्किन, आपके हेयर के लिए, आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स। काफी सारे मेरे वीडियोज भी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा इसके ऊपर, तो प्लीज जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाली हूँ कि आपको एलोवेरा जेल कैसे बनाना है, लगाना है, सब कुछ अभी आप देखोगे और रिजल्ट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो मेरी हेयर की ग्रोथ। आप देख रहे होंगे मेरी हेयर ज्यादा मतलब घने नहीं है, पतले हैं, क्योंकि मेरी बाल सिल्की है और सिल्की बाल कभी भी घने नहीं होते, वो पतले ही होते हैं। ठीक है, तो आप अभी देख लो कितनी ज्यादा हेयर ग्रोथ है मेरी। और अभी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैंने 3 दिन पहले अपने हेयर को कट किया है, नीचे से बराबर कट किया था, क्योंकि मुझे कहीं पार्टी में जाना था, तो बराबर नीचे से थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे, तो उसको मैंने कट किया है। कट करने के बाद मेरी हेयर इतनी ज्यादा लॉन्ग है, आप देख सकते हो, कैमरे में ये कवर नहीं हो रहा, और ये बस चमत्कारी कह लो आप इसको, मैजिकल मास्क कह सकते हो, ये बस उस मास्क को यूज करने से हुआ है। आप ट्राई करो ना यार, 1 वीक में क्या जा रहा है, रिजल्ट तो आपको 1 वीक में ही मिल जाने वाला है ना, तो ये बहुत ज्यादा इजी है। और इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ होगा आप लोगों के लिए, बहुत इजी भी है, बहुत सिंपल भी है, बहुत पैसे भी आपके खर्च तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करो, और अभी आप वीडियो में देखो कि मैं कैसे ट्राई करती हूँ, इसके बेनिफिट्स क्या है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। ये है, आपको बस लेना है एलोवेरा जेल, ठीक है, और चाहो तो आप प्लांट वाला एलोवेरा जेल ले सकते हो, या चाहो तो पतंजलि का एलोवेरा जेल ले सकते हो, आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है आप वो लो, बट यहाँ पे मैं या तो प्लांट का यूज करती हूँ या तो पतंजलि का यूज करती हूँ। ठीक है, और आपको उसको नाइट में लगा के सो जाना है। अगर आप नाइट में लगा के नहीं सो सकते हो ना, तो आपको आप दिन में उसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए अपने हेयर पे लगा के छोड़ दो, उसके बाद अपने हेयर को नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर जैसे भी आप करते हो उससे वॉश कर लो, दैट्स इट, उसके बाद वो अपना काम करने लगेगा। क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे उसको जितना आपके हेयर में एब्जॉर्ब करना होगा ना, उसकी प्रोटीन विटामिन जो भी होगी, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए मैं बोलूँ 2 से 3 घंटे तो छोड़ना ही छोड़ना है, ओवरनाइट छोड़ दो तब तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो। और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं किस तरीके से पूरे हेयर में लगा रही हूँ। आपको हेयर की पूरी पार्टीशन कर लेनी है और पूरा हैंड से आपको अच्छे से लगाना है, पूरे बाल के जड़ में भी लगाना है और बाल के नीचे भी लगाना है, पूरे पूरे हेयर में कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। एकदम भारी भरकम आपको हैवी मतलब ऑयलिंग जैसे करते हो ना, ऑयल लगाते हो कभी कभी, तो वैसे ही आपको ये वीक में कम से कम आप 2 बार कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, और वर्क तो इतना अच्छा करेगा ना, रिजल्ट तो आपको 3 दिन में ही देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स।
एलोवेरा जेल में पाया जाता है प्रोटोल्यूटम एंजाइम्स करके कुछ होता है, जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आपके स्कैल्प पे अगर डेड सेल्स जमा हो गया उसको वो ख़त्म करता है, और आपको ये एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर का भी काम करता है। आप इसको एज ए लिव इन कंडीशनर की तरह लगा सकते हो, डैंड्रफ को भी ये ख़त्म करता है। इसके इतने सारे फ़ायदे ना फ्रेंड्स कि आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ट्रस्ट में, आप इसको ट्राई करो, यूज़ करो, और रिजल्ट क्या मिला आप मुझे प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये वाला रेमेडी है ना, ये सबको वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं करेगा, 99% लोगों को करेगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। 1% ऐसे लोग हैं जिनकी जेनेटिक प्रॉब्लम होगी या कुछ हेयर इश्यूज होंगे, उनको ये वर्क नहीं कर सकता है। किसी को ये जल्दी करेगा, किसी को थोड़ा लेट करेगा, लेकिन वर्क सबको करेगा, ठीक है। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सबसे अच्छी बात है। होम रेमेडीज के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट, शैम्पू, कंडीशनर, ये ब्ला 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 तेल वगैरह लगा के आपने सोचा होगा कि मेरे हेयर ग्रोथ हो गया, अगर फिर भी नहीं हुए ना, अगर थक मर चुके, हार चुके हो ना, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए आप लोग, आपकी हेयर ग्रोथ तो होगी होगी। और हाँ, अगर आपकी हेयर ग्रोथ हुई ना, तो मेरे वीडियोस को आके लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।